हम लोगों ने पोखरण में इस रेस्टोरेंट पे खाना खा कर लंच किया। काफ़ी अच्छा लंच है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी, वर्थ इट था। और अब हम निकल चुके हैं जैसलमेर की ओर। यहाँ से दिखा रहा है अभी 144 किलोमीटर, और जो हमारा कैंपिंग एक्टिविटी है वो 4 बजे से स्टार्ट होना है। 2:19 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम इसे 2 घंटे के अंदर पहुँच जाएँ 144 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या स्पीड अपना मैनेज कर सकते हैं हम। फाइनली वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम। हमने लास्ट 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर लिया, और अभी यहाँ जैसलमेर में ऑन रूट एक पेट्रोल पम्प था जहाँ से हमने पेट्रोल भी रिफ्यूल करा लिया है कल के लिए, क्योंकि कल हमारा जैसलमेर से आगे और जाने का प्लान है। तो अभी के लिए अब सिर्फ जो डिस्टेंस बचा है हमारे कैंपिंग लोकेशन का वो 40 किलोमीटर है, और टाइम हो रहा है 3:34। तो उम्मीद है अगले बचे हुए 26 मिनट के अंदर हम पहुंच सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। और इसी के साथ अभी करते हैं दोबारा एक बार फिर से स्पीड अप सिटी क्रॉस होते ही। हम लोग जैसलमेर को क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं सैम ड्यून्स की तरफ, जहां है हमारा डेजर्ट कैंप। और उस डेजर्ट कैंप को दिखाने से पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा यहाँ कितनी सारी विंड मिल्स हैं, मतलब विंड मिल ही बोलते हैं, कितने टर्बाइन्स हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े विंग्स, और ये पूरा नज़ारा। कल सुबह जब हम वापस आएंगे तब मैं यहाँ रुककर पिक्चर क्लिक करूँगा, क्योंकि अभी हम नहीं रुक सकते, अभी हम हो रहे हैं लेट। पर यहाँ के जो रास्ते हैं ऊपर नीचे कहीं कहीं थोड़ा ख़राब भी है, रोड का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा अलर्ट होके भी चलना पड़ रहा है। बट होपफुली वी एक्सपेक्ट कि हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। एंड फाइनली हम सैम ड्यून्स पहुंच चुके हैं, और जो हमारा टेंट है उसका नाम देखते हैं। मैं वैसे पहले से मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं वहां पहुंचकर ही बताऊंगा। तो यहां हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, 1.6 किलोमीटर्स बचा है। पर यहां अगर जिंदगी में आपने जैसलमेर की बाइक राइड नहीं की ना, तो आपकी ज़िंदगी झंड है। यहाँ के जैसे रोड्स आपको कहीं नहीं मिल सकते किसी भी जगह। बस 700 मीटर्स बचा है, हेलो
उसका रॉयल हेरिटेज होगा। एक सेकंड, रॉयल हेरिटेज नाम आ गया, आ गया भाई आ गया। आज तो कॉल बहुत तेज आवाज आ रही है यार, इसे क्या हो गया? अभी नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे, मतलब है बहुत ज्यादा यार। चलो रुको, कॉल काटो, मैं उसे कॉल करता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा कैंप है वो ये है, और सामने हैं हनीफ भाई जिनसे हमने टेंट की बुकिंग करवाई थी। किस तरफ? और ये दिस इज आर, और ये है हमारा कैंप। पहले लगाते हैं हम बाइक्स को पार्किंग में, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, वी आर फाइनली हियर एट आवर कैंप। दिस इज रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट कैंप्स, और यहाँ हमारी बाइक सारी हमारे रूम्स के आगे लगी हुई हैं। ये दोनों हमारे प्रीमियम रेंज वाले रूम्स हैं, फैमिली रूम्स। और अभी हम जा रहे हैं, शाम का इवनिंग का टाइम हो चुका है, सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट का, डेजर्ट सफारी के लिए, कैमल राइड के लिए, और शायद हम पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं जल्दी से।